भैया आप गांव का नाम क्या आता है? परसोड़ी, परसोड़ी, सिंगल वाली परसोड़ी, सिंगनवाड़ी, परसोड़ी। परसोड़ी और आप, आपका नाम क्या है भैया? संजू वर्मा। संजू वर्मा जी, हाँ बैतूल के रहने वाले। खेती अपनी यहाँ पे यहाँ परसोड़ी में है। पे। और इस ये जो गेहूँ लगाया है आपने, तो गेहूँ में कौन सी खाद यूज़ करी है? इसमें धरनी धरा डाली है धर और सो इसको पावर प्लस से इस चीज के उससे उपचारित किया है, पावर प्लस से उपचारित उपचारित किया है किया है और और धरनी धरा आपने खाद डाली खाद है। डाली है। क्या एवरेज यानी क्या रेशो में डाली है आपने जैविक खाद? मैं सीड कम फर्टिलाइजर सीडिल ना होने के कारण जी मैंने पहले इसको 2 बोरी जो थी तो जी 1 बोरी को पहले खेत प्लाट में बो दिया जी और दोबारा में फिर उसको जी गेहूं में मिला के बोया, तो दोबारा उसका में हाँ तो उसका गेहूँ मिला गेहूँ में मिला के के बोया, बोया। इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला ये मेरी फसल में। ये फसल का रिजल्ट सामने है, आप इसकी ट्रिलिंग देखिए ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी है, बालियां भी बहुत और अच्छी है, इसकी बालियां भी देखिए। अच्छा और रिजल्ट दे रहा है। फसल क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ये किसान का कहना है मैं कि खाद से है ना संतुष्ट, संत भैया अपनी खाद और अपनी दवाइयाँ वही से संतुष्ट है। संतुष्ट हूँ। इस आप किसानों को कुछ कहना चाहेंगे बस भैया? यही है कि इस पे यानी भरोसा किया जाए और उसको डाला जाए। भरोसा किया जाए और हाँ डाला जाए जैविक है और ये सामने दिख रहा है और केमिकल, 100% हंड्रेड भैया परसेंट अपनी ऑर्गेनिक है। हाँ, इस पे भरोसा करके इसको डाला जाए, इसमें जी फायदा है, जी इसमें अपनी जमीन में भी सुधार आता सुधार है आता है और अपनी अपनी हालत में भी हालात सुधार में, आता है, अपने फसल में भी सुधार है। क्योंकि ये कोई रासायनिक हाँ नहीं केमिकल नहीं है है, और अपने को भी साइड इफेक्ट नहीं नहीं करता है और अपनी जमीन को भी जमीन साइड को भी इफेक्ट नहीं नहीं करता, करता है। सही बात, यानी बहुत बढ़िया रिजल्ट है बढ़िया इसका। रिजल्ट है। आप संतुष्ट मैं हो तो इसके इससे रिजल्ट? 100% संतुष्ट हूँ। 100% आप संतुष्ट हो इसके रिजल्ट से। धन्यवाद भैया।